ओटीटी वेब सीरीज आईसी 814 द कंदहर हाईजैक इन दिनों विवादों का हिस्सा बन गई है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में दिखाए गए आतंकवादियों के नामों को बदलने पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वेब सीरीज को बैन कराने की मांगें रखी है। साथ ही इस वेब सीरीज के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पीआईएल भी दायर की गई है। यह याचिका किसान और हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। याचिका में लिखा गया है, अपहरणकर्ताओं की वास्तविक पहचान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का विरूपण न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि हानिकारक रूढ़ियों और गलत सूचनाओं को भी बढ़ावा देता है, जिससे आगे की सार्वजनिक गलतफहमी और संभावित नुकसान को रोकने के लिए इस अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई आईसी वेब सीरीज में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकवादियों का नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, गुलशन इकबाल, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर था। लेकिन वो प्लेन में एक दूसरे से कोड वर्ड्स भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ कहकर बात कर रहे थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर भोला और शंकर नाम को लेकर आपत्ति जताई है और साथ ही नेटिजन्स ने आरोप लगाया है कि अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर हिंदू नामों का प्रयोग किया है। इसमें आतंकवादियों के नाम बदल दिए गए हैं, इसमें घटनाओं को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन पर इस वेब सीरीज में आईएसआई के कारनामों को भी मानवीय तरीके से दिखाने का आरोप लगा है। इन विवादों के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन भेजा है। सरकार इस मामले पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जवाब चाहती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय पहुंची। नेटफ्लिक्स ने सरकार को भरोसा दिलाया कि भारत के लोगों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए ही प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किया जाएगा। आईसी 814 फीट वेब सीरीज के मामले में भी नेटफ्लिक्स की टीम ने बताया कि वे पूरी सावधानी से कंटेंट का आकलन कर रही है। हालांकि जनवरी 2000 में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हाईजैकर्स ने किया था सीरीज में भी उसे वैसे ही दिखाया गया है। बता दें कि कई राजनेता पहले ही इस मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं। भाजपा के अमित मालवीय ने इस पर बोलते हुए कहा, आईसी 814 के अपहरणकर्ता खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए उपनाम अपना लिया था। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुस्लिम नाम को आगे बढ़ाकर उनके आपराधिक इरादे को वैध बना दिया है। यह कहानी है। दिसंबर 1999 को 176 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस के आईसी 814 प्लेन की, जो कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए जाना था। इस बीच उड़ान भरते समय इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। इसी प्लेन में हनीमून से लौट रहे जोड़े में से रुपिन कात्याल की विमान के अंदर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सीरीज में 25 साल के रुपिन कात्याल आतंकियों के एकमात्र शिकार बने थे। इस वेब सीरीज को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये वेब सीरीज बैन होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।